तो भाई इस वीडियो में हम लोग हो ची मिन्ह सिटी में कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं घूमने के लिए, वो चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो कुछ प्लेसेस हैं यहाँ पे, जैसे कुछ म्यूजियम है एक दो, और वो सारी जगह हम जाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कैसे जाना है, क्या टिकट है वहाँ पे और क्या तरीके हैं पहुँचने के। और बाकी तो दोस्तों यही है, अभी बज रहा है 6:30 और यू नो ये जो सिटी है थोड़ा मॉर्निंग काइंड ऑफ सिटी है, तो यहाँ पे सारे लोग जल्दी उठ जाते हैं और काम पे निकल जाते हैं। बेसिकली हम लोग आराम से उठते, बट हमारा जो ब्रेकफास्ट है उसका बुफे 9 बजे तक खत्म हो जाएगा, तो हमने सोचा कि क्यों ना टाइम से उठ जाएं और उसके बाद हम रेडी होके ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं इस शहर की सैर पे। और एक बार हो जाए कोकोनट में लस्सी मिला। जो सिटी टूर है वो दो तरीके से आप ले सकते हो। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं पोस्ट ऑफिस, एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी ये है पीछे पोस्ट ऑफिस। स्वागत है आपका चाइना टाउन में, रस्ते का माल सस्ते में और चल जाए तो चांद तक, ना चले तो रात तक। सो गाइस नहाना धोना तो हो गया, अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। बाय द वे ये हमारा रूम, ये कॉमन एरिया है, वो अंदर बेडरूम है। सो गाइस ब्रेकफास्ट के लिए हमने लिया है राइस एंड राइस केक और प्लस करण का कुछ मिक्सचर है, मुझे पता नहीं क्या है, बट ये एक स्वीट सा ऑमलेट यहाँ पे बना के दिया है सेफ ने, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। और यहाँ से एक अमेजिंग व्यू आ रहा है सिटी का, एज यू कैन सी। वाह दिस इज सो गुड यार, ब्रेकफास्ट ऐसी जगह पे करने को मिल जाए और क्या चीज़ जिंदगी में यार, सीरियसली। वेज वालों के लिए थोड़ा सीन मुश्किल है, अगर वेजिटेरियन हो आप तो फिर भी ऑमलेट वगैरह कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, अगर सी फूड खाते हो तो वैरायटी वैरायटी है। अभी आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। सो जब हम लोगों ने इस होटल को देखा था तो उसमें मैप के जिस बगल में एक रिवर दिखा रहा था, जैसे ही मैं देखा था कि रिवर है तो करण का बिल्कुल मूड बन गया था एकदम कि रिवर में जाके ना डुबकी लगानी है। और जब हम यहाँ आए पता रिवर कैसी है देखो। सो बेसिकली नाला है यहाँ का, तो ये बिल्कुल सिटी के बीच से बहता है और मैप में रिवर लग रहा था बिकॉज बहुत बड़ा नाला है, तो करण सोच रहा था कि इसमें जाके डुबकी लगाऊंगा, बट करण भाई जा नहीं रहे हो डुबकी लगाने। अरे भाई नाला बोल के साला गंदे नाले में खुदा दिया बे। गाइस अगर तुम्हें पता है किस मूवी का डायलॉग है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो बताओ। तो फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बैग बैग पैक कर लेते हैं बिकॉज अभी हमें चेकआउट करना है, यहाँ पे चेकआउट टाइम होता है 12 बजे का। सो गाइस हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया है और हम निकल चुके हैं अपने सिटी टूर के लिए। और जो सिटी टूर है वो दो तरीके से आप ले सकते हो, एक तो है कि आप कोई पैकेज बुक कर लो, और जो दूसरा हमने फिगर आउट किया है, हम सोच रहे हैं कि ग्रैब के थ्रू हम कैब या फिर यू नो स्कूटर बुक करके खुद से जगह पे जाएंगे। तो जो होटल था उसके थ्रू हमें आइटनरी मिल गई है जिसमें कुछ 6 जगह लिखी हुई है कहाँ कहाँ पे हम हो ची मिन्ह सिटी में घूम सकते हैं, जिसमें वो जगह है एक तो सेंट्रल पोस्ट ऑफिस और चाइना टाउन लोकल मार्केट टेम्पल पगोडा और बैच हार्बर करके एक जगह है, आई डोंट नो क्या है, वॉर म्यूजियम भी एक यहाँ पे है। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेंट्रल पोस्ट ऑफिस से, हमने अपनी ग्रैब बुक करी है होटल से लेके सेंट्रल पोस्ट ऑफिस से, ऐसे ही हम डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन ग्रैब बुक करके जाएंगे। और अगर ये कुछ ठीक लगा तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा बिकॉज ये बहुत चीपर पड़ता है, जो पैकेजेस होते हैं वो अराउंड आपको 3 से 4 हज़ार तक कॉस्ट पड़ सकती है, वो भी आपको बाइक में ले जाएंगे समझ लो, और हम कैब में जा रहे हैं समझ लो, एसी में बाहर धूप है समझ लो ना बात को। तो ये है और लेट्स सी कितना इजी होता है, क्या 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 हम एक्सप्लोर कर पाते हैं, कितनी चीज़ें कवर कर पाते हैं, और आई होप सारी कर लें। और बस तो अभी पोस्ट ऑफिस पहुंचता हूं, मैं आपको बताता हूं आगे के सीन। और आज मैंने पहनी है टी शर्ट जिसमें यहां पे लोगो लगा हुआ है अपने चैनल का माउंटेन व्हीलर, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। थोड़ा ब्रांडिंग तो चलती है ना, थोड़ा बहुत यू नो। हम लोग पहुंच गए हैं पोस्ट ऑफिस, एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी ये है पीछे पोस्ट ऑफिस और एक राइट साइड में चर्च है यहाँ पे बहुत बड़ा। सो गाइस हम लोग अभी आ गए हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, जो पोस्ट ऑफिस है काफी पुराना है, 80s का पोस्ट ऑफिस है और अभी भी वर्किंग है, यहाँ पे लोग आते हैं अपना पोस्ट ऑफिस वाला काम करते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं इसे देखने के लिए। और बीच में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, अगर आप लोगों को कुछ सामान खरीदना हो यहाँ के, जो यहाँ के लोकल चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हो। एक्सक्यूज मी हाउ मच फॉर दिस 43। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो रेट 43,000 डोंग 80,000, सो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। तो गाइस जो कैब आप ये देख रहे हो ये यहाँ की ट्रेडिशनल कैब है,
और यहाँ पे जो फार्मर्स वगैरह होते हैं जब फील्ड्स पे जाते हैं तो कैप लगाते हैं, इससे क्या होता है कि पूरा सन बच जाता है, बहुत ज़्यादा कवर कर लेती है। तो काफ़ी फेमस है यहाँ पे, जो भी आता है कैप पहन के फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाता है, चाहे तो आप खरीद भी सकते हैं और एक डिफरेंट यू नो डिफरेंट लुक के लिए। इस पोस्ट ऑफिस में जैसे आप एंट्री करोगे तो एक राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक दो गलियां जा रही है जिसमें सुवीरियर्स मिलते हैं बहुत प्यारे प्यारे। सो गाइस ये है दूसरी वाली राइट साइड वाली जो मैं आपको मार्केट बता रहा था सुवीरियर की। तो अच्छे अच्छे सुवीरियर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं पोस्ट ऑफिस के बाहर, तो कैसा लगा आपको ये पोस्ट ऑफिस ज़रूर कॉमेंट करके बताना, यहाँ आना वर्थ है या नहीं, कैसा लगा सुवीरियर कैसे लगे, जो भी आपको जो भी जैसा भी लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। एक बार हो जाए कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के ऑल द रजनी। सो गाइस अभी हम लोग पोस्ट ऑफिस के बाद जा रहे हैं चाइना टाउन। एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इस पोस्ट ऑफिस से थोड़ा सा आगे जाएंगे वहाँ पे एक राइट टर्न आएगा, वहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन है और एक बड़ी अच्छी मार्केट है जहाँ पे काफ़ी हैपनिंग है। आई थिंक शाम को ज़्यादा हैपनिंग होगा यहाँ पे। सो गाइस दिस इज आवर राइड फॉर चाइना टाउन। सो गाइस यहाँ से ग्रैब करने का फायदा ये है कि आपको बढ़िया बढ़िया कारें मिलती है यार, ये तो बात है। इंडिया की तरह नहीं कि एक ही आपको टैक्सी मिलेगी व्हाइट कलर की, वैगनार नहीं मिलेगी, व्हाइट कलर की भी मिलेगी। बढ़िया बढ़िया कारें मिलती हैं और लोग भी अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं। और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं चाइना टाउन यहाँ से, और बाकी वहाँ जाके पता लगेगा है क्या वहाँ पे। सो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं चाइना टाउन। एज यू कैन सी ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है, बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाइनीज स्टाइल में है और साथ ही साथ में यहाँ पर लोकल मार्केट भी है। तो ये दोनों स्पॉट जो है एक साथ है, लोकल मार्केट और चाइना टाउन जो है। तो आप यहाँ पे आके यू नो चाइनीज स्टाइल की चीज़ें देख सकते हो और खाना वगैरह यहाँ पर जो वहाँ का जिस टाइप का कल्चर है वो सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर और लेट्स सी क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, और उसके बाद हमें लंच भी यहीं पर करना है। लंच करने के लिए रुके हुए हैं। अभी हम लोग चाइना टाउन में, और चाइना टाउन में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, खाने से लेके सुवीरियर कपड़े एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। और अभी हम लोग जो लंच के लिए कर रहे हैं, मैं ले रहा हूँ राइस और फिश, और करण ने भी शायद फिश और राइस ही ली है। स्वागत है आपका चाइना टाउन में, रस्ते का माल सस्ते में और चल जाए तो चांद तक, ना चले तो रात तक। तो यार बहुत सारा सामान यहीं पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं हाथ से बनाने वाली यहीं पे फटाफट बन के पैक हो रही है और फटाफट बिक रही हैं। एज यू कैन सी अभी हम लोग कैप वाले सेक्शन में आए हुए हैं, यहाँ हर एक दुकान में कैप ही कैप भरी हुई हैं और ऐसी अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। शूज़ के लिए अलग सेक्शन है, क्लोथ्स के लिए अलग सेक्शन है, खाने के लिए अलग सेक्शन है, और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है बेसिकली ये। तो काफ़ी चीप रेट में आपको यहाँ पर सामान मिल जाता है, 250 के आसपास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जा रही हैं, कैप वगैरह कपड़े वगैरह। गाइस अभी तक तो आपने देखा ग्राउंड फ्लोर, अब एक और ऐसे ही इतना बड़ा फर्स्ट फ्लोर भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर करने वाले हैं, वहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह ज़्यादा मिलती हैं, तो लेट्स एक्सप्लोर दी फर्स्ट फ्लोर। तो गाइस वियतनाम आओ और वियतनाम की टी शर्ट ना हो ऐसा कहीं हो सकता है। तो हमने अभी दो टी शर्ट्स ली हैं वियतनाम की 80,000 डोंग में, जो कि अराउंड 250 से कितना 250 या 300 के अराउंड पड़ता है। तो दीज आर दी टी शर्ट्स एंड ये इस शॉप से ली थी। वेन एवर यू कम वियतनाम कम टू दिस शॉप, सो चीप। व्हाट्स योर नेम? थैंक यू सो मच। सो गाइस मैंने एक हेड ले ली है, कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी हम जा रहे हैं शूज़ लेने के लिए, अगर कुछ मिलता है अच्छा तो ज़रूर यहाँ से परचेज़ करेंगे एक शूज़, लेट्स सी। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही रहे हो कैसी मार्केट ठचा ठच भरी हुई है और मज़ा आ रहा है काफ़ी। यहाँ के लोग भी काफ़ी जॉयफुल हैं, कुछ चीज़ खरीदो तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो कुछ आते हैं चने के झाड़ में चढ़ाते हैं आपको। तो गाइस हम लोग जूते की दुकान में तो आए, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि अगर आपको जूते खरीदने हैं तो ये एटलीस्ट आपको 5 पीस लेने पड़ेंगे, सिंगल ये पीस नहीं दे रहे। तो कई दुकानों में ऐसा है कई चीज़ें सिंगल पीस नहीं मिल रही हैं, थोक के भाव आपको लेनी पड़ती है तभी आपको प्रोवाइड करते हैं। बट हैं बहुत सस्ते, 250 रुपये के 300 रुपये के बहुत बढ़िया जूते मिल रहे हैं, बट बात वही है कि 5 पीस लेके आदमी जाएगा कहाँ। सो गाइस जो ये चाइना टाउन है इसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। हमने यहाँ पर लंच भी किया था, कम से कम हमने यहाँ पर 2-3 घंटे लगाए। मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है और इतनी वैरायटीज़ है, आप देखने लग जाते हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है, पता नहीं चलता टाइम किधर गया।
तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी रैपअप कर लिया, जितनी चीज़ें उठानी थी हमने टी शर्ट्स वगैरह ली और एक हैट ली, और अभी हम निकल रहे हैं सीधे यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं, पगोडास हैं, वहाँ जा रहे हैं। एक फेमस कोई पगोडा है हो ची मिन्ह सिटी का, वहाँ जा रहे हैं। तो फिर अभी हमने ग्रैब बुक कराई है, उसका वेट कर रहे हैं। सो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं पगोडा। एज यू कैन सी यहाँ से गेट है और उसके अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अलग ही इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइनीज ट्रेडिशनल स्टाइल में। सो गाइस जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं आलीशान बिल्डिंग, एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज ट्रेडिशनल स्टाइल में। इसके अंदर जा सकते हो आप, कोई टिकट नहीं है और बहुत छोटा सा है, कुछ आई डोंट थिंक कि ऊपर जाने देंगे, बट जो मेन यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे टेंपल है वहाँ पे आप जाके अगरबत्ती वगैरह जला सकते हो जैसा कि आप देख सकते हैं। सो गाइस ये है टेंपल अंदर। तो यहाँ पे भजन वजन भी चल रहे हैं, हम लोग एक्सप्लोर करते करते थोड़ा अंदर आ गए। तो यहाँ पे गए ना, जैसे हमारे वहाँ उत्तराखंड में जागेश्वर में 108 टेंपल हैं छोटे छोटे छोटे, ऐसे यहाँ पे भी क्या है कि उसके अंदर छोटे छोटे और भी टेंपल्स बनाए हुए हैं। अगर आप आओगे अंदर तो आपको पता लगेगा। साथ ही साथ मेरे बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू भी अवेलेबल है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं व्हाइट कलर के बुद्धा बने हुए हैं और जस्ट इसके राइट साइड में है, और अगर आप आते हो तो जरूर देखना, काफी अच्छा स्टैचू है। My name's Rosie and I'm from Vietnam, Saigon. तो गाइस जो टेंपल होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और पगोड़ा जो होते हैं काफी बड़े होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये जो पगोडा है इसमें बहुत सारा ओपन एरिया है और बहुत सारे छोटे छोटे स्टैचूज हैं, और इसमें बेसिकली लोग न्यू ईयर्स में आते हैं, कोई भी प्रे करनी हो और कुछ भी ऐसा खुशी का मौका हो, या फिर जब कोई आदमी किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी ऐश लेके भी यहाँ पे वो करते हैं, हमारे लोगों के यहाँ पे विसर्जित करते हैं ना, तो उन लोगों के यहाँ पगोडा में लेके यहाँ पे रख देते हैं। और बाकी जो एरिया है काफ़ी काम पीसफुल एरिया है, यहाँ पे आके लोग यू नो एक पीसफुल टाइम स्पेंड करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पगोडा एंड टेम्पल्स। सो गाइस जो हर्बर गार्डन है उसके रस्ते में ओपरा हाउस भी पड़ता है, एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है ओपरा वगैरह में तो आप इसको विजिट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसके अंदर ओपरा होता है, शो होता है बेसिकली, उसके लिए टिकट्स आपको पहले से ही ऑनलाइन बुक करनी होती हैं। हम लोग फाइनली बेजदैंग हर्बर पहुंच चुके हैं, और बहुत ही काम प्लेस है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर रिवर है और पीछे क्रूज वगैरह भी खड़े हैं बहुत सारे, और इसके चारों ओर बड़ी बड़ी ऐसी बिल्डिंग्स है जैसा कि आपने अभी देखा होगा। अगर मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन गलत बोला तो प्लीज़ करेक्ट मी। एक बोट चले गई पीछे मेरे, आपने देखी होगी। तो गाइस बेसिकली यहाँ पर ओपन एरिया है, आप आके यहाँ बैठ सकते हो अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हो, कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो, दुकानें हैं साथ साथ में। करण थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग दिस प्लेस। फाइनली वी आर हियर, फाइनली वी रीच्ड हियर। यस, एक्चुअली प्लेस वेयर यू कैन नॉट टेक एनी कैब और एनीथिंग। अगर आपको यहाँ आना है तो आपको थोड़ा देख कर आना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कैब इसके लिए मिलते नहीं है। Exactly. कैब के लिए भी बहुत वेट है, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी तो ये अराउंड हम लोग कितने बजे, सुबह 11-1 बजे से हम चल रहे हैं। अगर हम लोग सिटी टूर लेते तो शायद 4-5 घंटे में कवर अप कर देता, लेकिन अगर हम अपने तरीके से घूमते हैं तो अभी 7 बज गया है। सो गाइस दिस इज द प्लेस, यहाँ पे आप आके बैठ सकते हो और यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। आई होप ये सॉन्ग ना आ रहा हो वीडियो में, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। यहाँ से तो ठीक लग रही है, दूर से नाला लगती है जो रिवर, वही रिवर है। सो गाइस अब हम लोग वापस आ गए अपने होटल पे। सो तुम लोगों के लिए जो लौंडे बार बार पूछते रहते हैं कि कैसे जाना है कैसे करना है, उनके लिए आज हमने ये ट्राई किया था कि कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से। हमने ग्रैब के थ्रू यू नो ग्रैब बुक कर करके हर एक जगह पे गए थे आइटनरी लेके। सो अगर हम बात करें कि कैसा पड़ा ट्रिप, पैकेज ज़्यादा बेटर है या ऐसे जाना बेटर है, यार दोनों के अपने अपने ना प्रोज एंड कॉन्स हैं। पैकेज में आपको पता है क्या होना है, ठीक है, इसमें भी ये है कि आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, हो सकता है कहीं पे वेट भी करना पड़ जाए, और थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा बिकॉज कभी कैब मिलती है, कभी लेट होता है, तो कभी हो सकता है आप करेक्ट जगह पर ना पहुँचो। बट स्टिल हम लोगों ने
एक सही टाइम पे सारी चीज़ें कवर कर ली और जितना हमारे हिसाब से जहाँ पे रुकना था रुके और जहाँ पे खाना खाना था उस हिसाब से खाना खाया, अपने हिसाब से शॉपिंग करी। तो अगर आप बैकपैकिंग में बिलीव करते हैं या फिर अगर आप एक बैकपैकर हैं तो आपको डेफिनेटली ऐसा करना चाहिए, और अगर आपके साथ बहुत सारे लोग हैं तब तो पैकेज देना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी हम लोग पहुँच गए अपने होटल सनलैंड, यहाँ से हमने चेकआउट कर दिया था ऑलरेडी, सारा सामान होटल के अंदर रखा हुआ है, हमें सिर्फ यहाँ से ले जाना है। अब हम दूसरे होटल जा रहे हैं तो दूसरी चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ दूसरे टाइप का होटल लेने की, देखते हैं कैसा रहेगा, लेट्स सी। और आज का वीडियो शायद यहीं ख़त्म करना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इतने सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, यू नो टैक्सी का वेट करना, वहाँ बहुत सारा पैदल घूमना, वॉक करना। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा इसके बाद मिलता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को अपडेट दूंगा। सो बाय बाय, सी यू सून। गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं हर्बर, जो भी प्लेस था हर्बर या बलबल क्या था। यू सिंग गुड गुड सो गाइस हम लोग पहुंच गए यहाँ पे ओवरा टेम्पल। तुमने सारी वीडियो में तो ये दिखा दिया ऐसे ऐसे करके।